तो दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार में एक और वैकेंसी निकल कर रही है। जैसा कि देख रहे हैं ये सूचना हम डाउनलोड कर चुके हैं, ठीक है। ये सूचना जो जारी किया गया 3/9/24 को ही डेट में जारी किया गया, और यहाँ पर देखें तो पद का नाम बताया गया है, जैसे कार्यालय सहायक हो गया या क्लर्क हो गया, रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो गया, कार्यालय परिचारी या मुंशी का हो गया, ठीक है। ये सही पद आपको रहने वाला है। यहाँ पर देखें तो किस पद में कितना आपको पदों की संख्या रखा गया है यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है, कार्यालय सहायक क्लर्क के लिए यहाँ पर देखें तो स्नातक पास मांगा है, हिंदी एवं अंग्रेजी में 30 शब्द टाइपिंग प्रति मिनट तथा कंप्यूटर का ज्ञान यहाँ पर मांगा गया है। आपको मानदेय आपको 20,000 रुपये आपको रखा गया है। उसका देखें तो रिसेप्शनिस्ट सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको पदों की संख्या 1 रहने वाला है, इसमें स्नातक भी पास मांगा गया है, हिंदी एवं अंग्रेजी में 30 शब्द का टाइपिंग प्रति मिनट का हिसाब से मांगा गया है, और कंप्यूटर का ज्ञान आपको मांगा गया है। इसमें 19,000 आपको सैलरी आपको रहने वाला है। कार्यालय परिचारी या मुंशी के लिए पर 3 पद रहने वाला है, मैट्रिक पास मांगा गया है और साइकिल चलाने का आपको ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए। सैलरी आपको 13,000 रुपये आपको रहने वाला है। उसका नीचे आपको आएंगे तो और भी यहाँ पे बताया गया है इसमें आवेदन करने के लिए, कि आवेदन करने के लिए क्या क्या आपको प्रोसेस है। जैसे कि लिखा है कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो 3 पद आप देख रहे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आप एक साथ में मानो एक ही फॉर्म में सभी पदों के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपको आवेदन करना है सभी पोस्टों के लिए तो अलग अलग आपको यहाँ पे आवेदन करना, यानी अलग अलग लिफाफा के माध्यम से आपको भेजना होगा। उसका लिखा कि आवेदित विविधित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह से सही सही भरकर स्वहस्ताक्षरित फोटो आवेदन के साथ चिपकाएं तथा आवेदन के साथ शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, यानी जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और आपका जो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट वगैरह है, तकनीकी योग्यता, ये सभी प्रमाण पत्र जो है लगाएंगे। जैसे कि योग्यता का प्रमाण पत्र हो गया, उन प्रमाण पत्र उम्र प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, तथा पता लिखा हुआ लिफाफा जिस पर 22 रुपये का डाक टिकट आपको लगाना होगा, और साथ आवेदन संबंधी डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ के पते पर आपको भेजना है, ठीक है। तो इसमें आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो है ना, नीचे में आपको फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर देखें तो फॉर्म आपको दिया गया है। नीचे में आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को फिलआउट करके भेजना है। सबसे पहले ऊपर आप देख लेंगे तो और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है, ठीक है, उम्र के बारे में बताया गया है, तो अपने आप यहाँ पर देख लेंगे। अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं अपना टेलीग्राम में डाल दिए हैं, तो आप टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लेंगे, और यहाँ पर नीचे आएंगे तो फॉर्म दिया गया है, ठीक है, ये जो भी आपको फॉर्म देगा ये फॉर्म को फिलआउट करेंगे। यहाँ पर फोटो चिपकाना है, यहाँ पे आवेदक पद का नाम लिखेंगे, किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर पद का नाम लिखेंगे, आवेदक का नाम, पिता पति का नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस बताना होगा, वर्तमान एड्रेस, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताएंगे, अनुकूल योग्यता है तो उसके बताएंगे, जन्म तिथि बताएंगे, ठीक है, राष्ट्रीयता बता देंगे, मेल फीमेल प्रेटेंडर ये सब बताना होगा, कैटेगरी के यहाँ पे बताना होगा, ठीक है, नियोजनालय का नाम तथा पंजीकरण, एक नियोजनालय में पंजीकरण होता है, आपके पास पंजीकरण है तो यहाँ पर पंजीकरण नंबर यहाँ पे देंगे, ठीक है, और भी यहाँ पे जानकारी दिया गया है। ये सभी फॉर्म को भरेंगे, यहाँ पे साइन कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आवेदक का साइन, फिर से हमें साइन करेंगे, और यहाँ पे देखिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ आपको कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, इतना जो आपको छोड़ देना है यहाँ तक आपको छोड़ देना है, ठीक है, यहाँ तक आपको छोड़ देना है, उसके नीचे में आवेदक द्वारा भरा जाएगा, ये आपको भरना है, हिंदी में नाम हो गया, अंग्रेजी में नाम हो गया, अपना पता डालेंगे, और यहाँ पे आवेदक का पत्राचार और एड्रेस आपको फिलआउट करना है, यहाँ पे जो वर्तमान पता है तो डालेंगे, ठीक है, आवेदक का मोबाइल नंबर यानी अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, भरा जाएगा। इतना आपको फॉर्म को फिलआउट करना है, और फॉर्म को भरने के बाद जो भी आपका प्रमाण पत्र है, एडुकेशन क्वालिफिकेशन का, ये सभी क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट लगाएंगे देना है, जो कि और उसके साथ में 22 रुपये का डाक टिकट टिकट आपको लगाना होगा, और उसके बाद निबंधिक डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार नालंदा बिहार शरीफ के पते पर ई पते पर आपको भेज देना है के लिए। तो अगर आप इसी पद के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका लास्ट डेट यहाँ पर देखेंगे तो आपको 18/9/24 तक रखा गया, यानी 18 सितंबर तक इसको आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस पर व्यू वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग
चेकआउट कर सकते हैं।